परिवार, आप लोग सोचिए, आप लोग जो इतना मेहनत से कमाते हैं, उस कमाई का कितना पैसा हर महीने दवाइयों में चला जाता है, जाता है या नहीं जाता? Yes. और केवल दवाइयों में नहीं जाता, घर में जब कोई बीमार होता है तो ट्रेवलिंग खर्चा, डॉक्टर की फीस, दवाई खर्चा, कितने खर्चे करने पड़ते हैं। हेलो, yes. स्वस्थ शरीर हम सबकी चाहत है, स्वस्थ परिवार हम सबकी चाहत है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा खान पान सही हो। हेलो, yes. और दोस्तों आज बाजार में इतना मिलावट है, इतना मिलावट है कि शाम को लौकी इस उंगली से भी छोटी होती है और रात में इंजेक्शन लगता है और सुबह इस हाथ से भी बड़ी हो जाती है। मौत दे रहा है मिर्च पाउडर। दोस्तों आप सोचिए, मिर्च पाउडर कहां बन रहा है, हमारे आपके इसी समाज में? और बनके भी कहां रहा है? क्या इसके ऊपर लिखा रहता है शुद्ध नकली मसाले? इसके ऊपर भी वही लिखा रहता है शुद्ध, और हम लोग असली देखकर, और जब पेट में मिलावटी चीज जाएगी तो बीमारियां। दोस्तों क्या बिना मिर्च और बिना तेल के कोई खाना बन सकता है? और क्या लिखा है, जब तेल की धार ही मिलावटी है तो खाना कैसा होगा? और अगर ऐसे खाने को हम खाएंगे, हमारा परिवार खाएगा तो कैसा होगा? दोस्तों फिर जिस परिवार की हम कल्पना करते हैं वो कैसे स्वस्थ रह पाएगा? हेलो, लेकिन दोस्तों जेबीडी की कथनी और करनी देखना, जो आगे मैंने आपको विचार पढ़ाए हैं, केवल आपको पैसा नहीं कमवाएंगे, क्योंकि पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं लेकिन एक स्वस्थ शरीर नहीं खरीद सकते। इसीलिए जेबीडी सिस्टम आप लोगों के लिए शुद्ध हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला, वो सारी चीजें जो आप बाजार से खरीदते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो सारी चीजें दोस्तों आपको यहां मिलेगी। अरे यहां केवल आपको एक ही तेल मिलेगा, और हम एक ही तेल इसलिए देते हैं, लोग हमसे कहते हैं क्या आपके यहां देसी घी मिलेगा, क्या आपके यहां वनस्पति तेल मिलेगा, क्या आपके यहां पॉम ऑयल मिलेगा, क्या सोयाबीन मिलेगा, क्या मस्टर्ड ऑयल मिलेगा? हम कहते हैं नहीं, हमारे यहां केवल एक तेल मिलेगा, राइस। और वो इसलिए मिलेगा दोस्तों क्योंकि जितने भी तेल हैं सब में फैट है, और जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद WHO के अनुसार, हमें वो तेल खाने चाहिए जिसमें ये मात्रा इस अनुपात में हो। सफा सैचुरेटेड फैट की मात्रा 27 से 33 हो, पूफा 27 से 33 हो, और मूफा 33 से 40। वही तेल हमारे लिए फायदेमंद है। और आप देख सकते हैं कि जो भी तेल आज यहां है देसी घी में, इस अनुपात को 67 बहुत ज्यादा, 3 बहुत कम, 30 सही है। मस्टर्ड ऑयल 3 बहुत कम, 29 सही है, लेकिन 68 बहुत ज्यादा। सोयाबीन 15 बहुत कम, 61 बहुत ज्यादा, 24 सही है। और इसीलिए दोस्तों इन तेलों को जेबीडी सिस्टम नहीं बेचता। और हम आपसे भी ये कहते हैं कि केवल तेल चुनाव कीजिए। 65 साल की हेमा मालिनी 40 साल की लगती है, पेट भरने की वजह से नहीं। ये जो पेट है ये कूड़ेदान नहीं है कि इसमें कुछ भी डाल दो, ये जो पेट है ये आपके स्वस्थ शरीर का पहला खजाना है। चुन चुन पहला ऐसा तेल है दोस्तों जिसमें 24 34 और 42 का अनुपात है, और इसीलिए जेबीडी सिस्टम केवल एक तेल बेचता है। राइस ब्रान ऑयल इज ए गुड
विटामिन ई, राइस ब्रान अकेला एक ऐसा तेल है जिसमें विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होती है दोस्तों, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। दिल के लिए फायदेमंद राइस ब्रान ऑयल, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप इस चीज से देख सकते हैं मनमोहन जी ने जब अवार्ड दिया, क्योंकि 2007 में मनमोहन जी ने बाईपास सर्जरी कराई थी और एम्स के डॉक्टरों ने इनसे कहा था कि अगर दोबारा बाईपास नहीं चाहते हैं तो आप राइस ब्रान तेल से खाना खाएं, क्योंकि ये खून को पतला रखता है और ब्लॉकेज होने से रोकता है। इन्होंने जिस कंपनी का तेल चुना, आज भारत में बहुत सारी कंपनियां राइस ब्रान तेल बना रही हैं, और उसको खाया और खाने के बाद जब फायदा हुआ तो रिसर्च के लिए इन्होंने, एक ऐसे तेल के रिसर्च के लिए इन्होंने उस कंपनी के मालिक को अवार्ड दिया जिससे हम ये तेल ले रहे हैं। हेलो yes. इसके बाद 3 साल के बाद 2010 में एपीजे अब्दुल कलाम ने सारा रिसर्च करने के बाद अवार्ड दिया। फिर उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भी अवार्ड दिया। ये एक ऐसा तेल है दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर सरसों का तेल इतना अच्छा होता तो क्या आज तक उसको अवार्ड नहीं मिला होता? हाँ जी yes. आपके घर में जहां सबसे ज्यादा चूहे आते हो, आप एक कटोरी सरसों का तेल रख दीजिए, एक हफ्ते के अंदर चूहा कहीं ना कहीं आपको मरा मिलेगा। सबसे ज्यादा सरसों का तेल पश्चिम बंगाल में से खाया जाता है, और सबसे ज्यादा हार्ट को चेक करने वाली पेसमेकर मशीनें आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगी। हेलो, स्वस्थ शरीर का अगर हमने आपको वादा किया है तो वो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं जो आपको स्वस्थ जीवन दे। आप अपने बच्चों को अभी से राइस ब्रान में खाना खिलाइए, वादा है मेरा उनको कभी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। अगर आपको ब्लड प्रेशर है और शुरुआती दौर में है, आप चेक करा लीजिए और 3-4 महीने आप राइस ब्रान तेल लगातार खा लीजिए, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, यहां बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तेल का उपयोग किया है और उनको फायदे नजर आए हैं। दोस्तों, किसी को भी शुगर हो वो राइस ब्रान ऑयल खाए, उसका शुगर नहीं पड़ेगा बढ़ेगा, उसका मैं एग्जांपल हूं। एज ए एग्जांपल आप सबको राइस ब्रान खिलाइए। दूसरा, अगर दुकान बदलने से तकदीर बदलती है तो दुकान बदल लीजिए। जय हिंद, जय जेएमबीटी, जय जय जेएमबीटी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है, मैं कंपनी का ऑल प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और अपने साथियों को बोलता हूँ यूज करो। और अपना राइस ऑयल जो है सबसे सुपर है, इसके खाने से कोई गैस नहीं बनती और पाचन तंत्र पूरा ठोस हो जाता है। अकेला एक ऐसा तेल है, जेबीडी राइस ब्रान तेल अकेला एक ऐसा तेल है जो किचन में सारे तेलों का काम करता है। सरसों का तेल, रिफाइंड देसी घी, सबका, आपको दूसरे तेल की जरूरत नहीं है।